मिनी पंजाब के नाम से मशहूर बल घाटी में संकट में फंसे करोड़ों रुपए के कारोबार वाले टमाटर के मूल्य ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। बल घाटी में टमाटर के क्रेट का रेट 400 रुपए तक पहुंचने पर टमाटर उत्पादकों ने राहत की सांस ली है। बल के ढाबड़ निवासी ईशान सैनी ने बताया कि सीजन की शुरुआत में टमाटर के क्रेट का दाम 100 से 150 रुपए था, लेकिन जैसे सीजन आगे बढ़ रहा है टमाटर के एक क्रेट का मूल्य 400 रुपए तक पहुंचा, तो वह अवतार वैरायटी के टमाटर का क्रेट 350 रुपए तक के भाव में बिक रहा है। बल में टमाटर के तुड़ान का कार्य लगभग आधा महीने पहले शुरू हो चुका था। पहले टमाटर की फसल को बीमारी लगी और फिर ओलावृष्टि से टमाटर खराब हुआ। उसके बाद कोविड-19 के संकट के चलते शुरुआती में बाहरी राज्यों के व्यापारी न आने के कारण बल में टमाटर की बेकसरी शुरू हो गई। मैंने टमाटर की सोइंग की अपनी फील्ड में, अवतार क्रिस्टल और मनु जो टमाटर लगाए हुआ है। पहले तो मेरे को इसमें जो रेट है प्रॉपर मिल नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और जो हमें जितना हमने खर्च किया था वो पूरे पहले हो नहीं रहा था हमारा खर्चा। पहले तो हम सस्पेंस में थे कि हमें दाम इसका आएगा कि नहीं आएगा, पर आजकल जो दाम इसका आ रहा है 400 रुपये पर क्रेट है, जो किसान जितने भी हैं उनके चेहरे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान थे सभी किसान भाई, पर आजकल जो हमें रेट मिल रहा है प्रॉपर मिल रहे हैं, जो रेट 400 रुपये पर क्रेट मिल रहा है प्रॉपर रेट मिल रहा है इसमें इसका टमाटर का, इससे हमारा 300 रुपये तो खर्चा ही आता है, और अब तो किसान भाइयों के चेहरों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। बल में शुरुआती दौर में टमाटर उत्पादकों को भारी घाटे पर टमाटर का क्रेट 100 से 150 रुपए में लोकल व्यापारियों को मजबूर होकर बेचना पड़ा था, लेकिन अब टमाटर की कीमतों में हुए इजाफे से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। भारत 9 के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।